श्री निर्मला
श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माता जी श्री त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्त्वं माम् अववक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचा नमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मय त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नवः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वम् अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकर्षिः निजगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः।
विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्। आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतिः पुरुषात् परं देवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय कर सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध कर हनुमान। हनुमंत संत हितकारी सुनिली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर धौरी महा सुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महि पारा सुरसा पदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुर लोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखि परम पद लीन्हा पाद उजारी सिंधु मह बोरा अति आतुर जम का तर तोरा। अजय कुमार कुमारी संहारा लूम लपेटे लंक को जारा लाह समान लंक जर गई जय जय धुन सुर पुर मह भाई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करम पुर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होए दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरत भट नागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु बज की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिंग 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु हरि उर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाय के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। जा जब तक नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वन उपवन मग गिरि गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही। पाए परो करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहि को हरामो। जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता बदन कराल काल कुल धालक राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार दुर शपथ राम की राघव नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 दिन होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा चरण शरण करी जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं दोहराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परो कर जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संग सामे पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत होय आनंद हमारो। बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे। रूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपी भजे सदा हरे उर ध्यान देह के कारज सकल सुभ सिद्ध करे हनुमान।
ओम शत्रुमर्दिनी नमः। ओम श्री अंबिका देवी नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम तारकासुर संहंत्री नमः। ओम शुंभ शुंभ संहंत्री नमः। ओम श्री दुर्गा माता जगदंबा नमः। ओम श्री रक्षा करी नमः। ओम राक्षसघ्नी नमः। ओम श्री चामुंडा नमः। ओम मधुकेतवहंत्री नमः। ओम नरकांतका नमः। ओम भंडासुरमर्दिनी नमः। ओम श्री शिरडी साईनाथ नमः। ओम श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ओम श्री कार्तिकेय नमः। ओम सर्वासुरमर्दिनी नमः। ओम सर्वबाधा विनाशिनी नमः। ओम सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ओम सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम मनोकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन वेला में हम सभी सहजयोगी जिन्होंने आत्म साक्षात्कार श्री माता जी निर्मला देवी द्वारा प्राप्त किया, जिनका आत्म साक्षात्कार युगो युगों से परमेश्वरी के चित्त में रहा और इस महावतरण के द्वारा उन्होंने उन सभी साधकों को जो युगो युगों से उनकी वंदना कर रहे थे, उन्हें पुकार रहे थे, उन सभी साधकों को उनका आत्म साक्षात्कार मिला। उन्होंने अपने आत्म तत्व को पहचाना, जाना कि हम ये शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। जिनके आत्मा के भीतर परमात्मा प्रतिलक्षित होने लगे, ऐसे सभी सहजयोगी जो आज यहाँ उपस्थित हैं, सबको मेरा सादर नमन। आप सबका इस गहन ध्यान श्रृंखला में हार्दिक अभिनंदन। आज सबसे पहले श्री माता जी की अमृत वाणी सुनेंगे और क्षमा के महत्व को जानेंगे। किस प्रकार से जब हम क्षमा कर देते हैं, हमारा आज्ञा चक्र खुल जाता है, हम तूर्य अवस्था को प्राप्त होते हैं और एक साधारण मनुष्य जो तीन आयामों में जीता है, उसे ऊपर उठ के
हम चौथे आयाम में प्रवेश कर जाते हैं और यहां हमें सत्य की प्राप्ति होती है। सहस्त्रार पे जब ब्रह्म रंध्र खुल जाते हैं, परम चैतन्य प्रवेश करते हैं, तो हम परम सत्य को जानने लगते हैं। आइए सबसे पहले माँ की अमृत वाणी का ये अंश सुने, पूर्ण रूप से संतुलन में, मध्य में, वर्तमान में अपने चित्त को स्थापित करें, निर्विचार हो जाए, एकदम निर्विचार, एकदम निर्विचार। निष्क्रिय, किसी गतिविधि पे चित्त नहीं, न शारीरिक न मानसिक, निष्क्रिय निष्क्रिय निष्क्रिय। Adishakti's power, this divine, is described in every religion. Say in Islam called Ruh, in the Bible is called as all-pervading power. It's called as Alak, that is not to, which cannot be seen. Niranjana, the one which is beyond any attachment sort of thing. All these words are used for this divine power. People have heard about it, people have sung about it. But unfortunately, very few people felt it. And when they felt it, they didn't know how to give it to others, how to make others feel it. So whatever they talked became sort of a story or something nonsensical. Nobody could believe that they have felt anything like that or could imagine that there is such a power really exists. Now, luckily it has become quite a universal fact for all of you that you know there is this power. You are sure about this power because you can feel it within yourself. And when you feel it, you feel very joyous. You can make out whether somebody is telling you the truth or not, because you can see on the vibrations, on this, I should say, the power of Adishakti. She tells you the truth. If somebody has done some harm to you, for example, now you may say that, Mother, if you forgive that person, then it's not the truth, because he has definitely harmed, and if I forgive, that means I accept that he has not harmed. This kind of argument is possible. Now you will see, you will be surprised that you forgive that person, because the truth is, whether you forgive or you don't forgive, you don't do anything. That's the truth. So out of compassion, if you forgive someone, compassion becomes the truth. It's the compassion that tells you the truth. So all the absolute truth that you know is through the compassion of the divine power. Maybe sometimes people say, we saw the vibrations, Mother, and we felt this way, and still it happened. It makes no difference. Whatever has happened, doesn't matter. You have felt the vibrations,
and you asked the vibrations and you acted upon the vibration, that's all. Whether it turned out to be that way or not is different, because it had to be the other way now. Some drama is going on. Is the chid vilas, is the enjoyment of the chitta of the divine. So it's a play going on. If you can see that play, then you don't get disturbed. It's a play. How it works, how it is organized, is not your headache. You just have to see the play of the divine, how it works out. We have seen now, all of you, which you call as miracles have happened. Mother, this miracle has happened, that miracle has happened, and I know is all the miracle of the divine. Despite that, our faith in the divine is not so much enlightened faith. When you have the enlightened faith, you don't worry about things which are very important in life. It works out well and good. If it doesn't work out, well and good. It should not be assumed that once you are a realized soul, that the whole world can fall at your feet. Not necessarily. It's a play. It's a beautiful enjoyment of the attention of the Adi Shakti. So if you can become the witness, if you can really become the witness of the whole thing, then what happens? You go spiritually much closer. I should say you get dissolved into the divine power. That dissolution has to take place. That's why today's puja is very important for you. Because if it was not Adi Shakti who had taken an incarnation, this work could not have been done. This could not happen. Because it had to be something that would encompass all the angularities of this human life, all the aspects of this human life. It had to be such an incarnation that could absolutely see human being as a whole, not only his physical self, mental self, emotional self, or his particular ideologies, or his particular domination. No. As a whole, as a human being. And human being, as I told you, is all inside. All of them are just the same. Some are more sensitive and seeking genuinely. Some are not seeking genuinely, and some are not seeking at all. But the seeking also is given to you by Adi Shakti. Now it happens that in the evolutionary process, one fish came out of the mother. Out of that sea, which was like a mother to the sea, came out. And then about 10 or 12 fishes came out. Then after some time, shoals of fishes came out. In the same manner, your evolution has worked out. As it is, we think we have quite a big number. We have crossed the number, what? Apicologists have said, or we can say it, what St. John has said, we have already crossed it. Doesn't matter. It doesn't matter. You see, it seems that it's a very fertile area, very fertile time, this Kali Yuga, where there are so many people who are taking to divinity. I mean, it's the right time to do this.
Yesterday when I saw your play, I have seen all that myself. And I used to wonder what is going to happen to these people. How are they going to take Sahaja Yoga? They have taken to spirituality. See, all these diverse things that you see in modern times should not disturb you much, because that has to be that way. It's a drama, it's a play, and in that drama you should know that it will work out in such a beautiful manner that after some time you'll find nothing but the divine dissolving all the useless things that we have, like our conditioning. Jai Shri Mataji. अपने चित्त को अपनी आत्मा में रखेंगे बाएं हृदय के भीतर, बहुत गहराई तक अपनी आत्मा को ढूंढेंगे बाएं हृदय के अंदर, वो प्रकाश जो हमारी माँ कुंडलिनी ने जागृत किया, हमारी आत्मा का प्रकाश, पूरा चित्त आत्मा के ऊपर, माँ आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूं, परमात्मा का प्रतिबिंब हूं मैं, आत्मा हूं मैं, शिव हूं मैं, शिव हूं मैं, शिव हूं मैं, अपने चित्त को धीरे से बाएं हृदय से निकालेंगे, रीढ़ की हड्डी के अंदर ले आएंगे, मूलाधार चक्र पे पूरा चित्त रीढ़ की हड्डी के अंदर, ब्रह्म नाड़ी जिसके ऊपर सारे चक्र स्थित है, सभी देवी देवता विराजित है, मूलाधार पे चित्त प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु श्री गणेश, हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, कृपा कीजिए मेरे सभी चक्रों पे आप विराजित हो जाइए, विराजित हो जाइए, मेरे सभी चक्र स्वच्छ कर दीजिए, माँ कुंडलिनी का मार्ग प्रशस्त कर दीजिए, अपने सभी गुण और शक्तियां मांगल्य पावित्र अबोधिता निर्भीकता मुझे प्रदान कीजिए, मूलाधार पे नमन करेंगे श्री गणेश को, चित्त को उठाएंगे स्वाधिष्ठान पे, मां आदि शक्ति ही शुद्ध इच्छा देती है ईश्वर को पाने की, हे परमेश्वरी आप ही श्री ब्रह्मदेव सरस्वती हैं, मेरे अंदर अशुद्ध इच्छाएं समाप्त करके शुद्ध इच्छा प्रदान कीजिए, मां परम सत्य को पाने की विद्या प्रदान कीजिए, निर्मल विद्या प्रदान कीजिए, हे मां निर्मला
पूरा चित्त स्वाधिष्ठान चक्र भी ब्रह्म नाड़ी में रीढ़ की हड्डी के अंदर। चित्त को उठाएंगे नाभि चक्र में, प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वरी, हे मां निर्मला, आप ही श्री महालक्ष्मी है, आप ही मेरे भीतर समाधानी बनकर मेरी समस्त समस्याओं का समाधान करती है। हे मां निर्मला, मां लक्ष्मी के स्वरूप में मेरे भीतर उन सभी स्वरूपों को जागृत कीजिए जिससे मेरी सांसारिक समस्त इच्छाएं पूर्ण, समस्याएं स्वतः ही हल हो जाए और मैं महालक्ष्मी तत्व को प्राप्त कर सकूं। प्रार्थना के साथ पूरा चित्त नाभि चक्र पे, प्रार्थनाओं के फल स्वरूप अपने नाभि चक्र को जागृत होता हुआ महसूस करेंगे। ब्रह्म नाड़ी पे रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरा चित्त नाभि चक्र पे चित्त को उठाएंगे, मध्य हृदय मिलाएंगे माँ जगदम्बा के स्वरूप में विराजमान निर्मला और उनके दरबार में समस्त देवी देवता, समस्त गण, गणाधिपति श्री गणेश, श्री कार्तिकेय, श्री हनुमान, श्री भैरव, सभी नतमस्तक है। हे मां जगदम्बे, हे मां निर्मला, जागृत हो जाइए मेरे मध्य हृदय में, महसूस करेंगे स्टर्नम बोन के पीछे हमारा ये चक्र रीढ़ की हड्डी के अंदर जागृत होता हुआ ब्रह्मांड स्वामिनी मां निर्मला, मां जगदम्बा के रूप में सभी नकारात्मकताओं का अंत करते हैं, हमें शक्ति देते हैं, परम सत्य को पाने की। महसूस करेंगे अपने हर चक्र ब्रह्म नाड़ी पे आत्मविश्वास और निर्भीकता मां जगदम्बा के वरदान है। पूरा चित्त मध्य हृदय में उनकी शक्तियों को प्राप्त करेंगे, चित्त को उठाएंगे विशुद्धि चक्र में, रीढ़ की हड्डी के अंदर चलते रहेंगे। मां कुंडलिनी के साथ पूरा चित्त विशुद्धि चक्र के भीतर श्री राधा कृष्ण को नमन करेंगे। हमें विशुद्ध आत्मा है,
पूर्णतया निर्दोष है, पूर्णतया निर्दोष है हम। इस चक्र को महसूस कर पा रहे, गर्दन के बेस में, रीढ़ की हड्डी में, उभरी हुई हड्डी के अंदर विराट विराट अंगना का चक्र है। वाक चातुर्य, वाक माधुर्य, श्री कृष्ण के सभी गुण हमारे भीतर भर रहे हैं। बहुत सुंदर अनुभूति, चित्त को उठाएंगे, बहकाके से होते हुए दाएं और बाएं आज्ञा से होते हुए मध्य आज्ञा में आएंगे और सबको क्षमा करेंगे, सबको क्षमा करेंगे। हे मां निर्मला, आप ही साक्षात श्री जीसस क्राइस्ट हैं। आप ही मदर मेरी महालक्ष्मी है। माँ, हमने सबको क्षमा किया। माँ, हमने सबको क्षमा किया। चित्त को लाएंगे ब्रह्मरंध्र पे, श्री माता जी के सुंदर श्री चरणों में, माँ कुंडलिनी घूम रही है, पूरा सहस्रार प्लावित हो रहा है परम चैतन्य से। माँ कुंडलिनी का योग परम चैतन्य से हो रहा है, परम चैतन्य बरस रहे हैं पूरी तरह से हमारे सहस्रार के भीतर, हर नस नाड़ी में चित्त पूरा सहस्रार खुल रहा है। श्री माता जी के श्री चरणों नमन करेंगे, सब कुछ सरेंडर कर देंगे, सारा चित्त का भारी पान माँ के श्री चरणों में छोड़ देंगे। हे परमेश्वर, हमारे चित्त को इतना हल्का कर दीजिए कि ये उन समस्त ऊंचाइयों को छू सके जिसके लिए हमें सहज योग का वरदान मिला। विलय हो जाए ये परम चैतन्य में, आशीर्वादित होके चित्त को उठाएंगे अर्ध बिंदु पे, बिंदु पे, वलय पे, और वलय से निरंतर आती हुई परम चैतन्य को महसूस करेंगे पूरे शरीर में, रीढ़ की हड्डी में, सब चक्रों में परम चैतन्य निरंतर गिर रहे, पूरा कनेक्शन मूलाधार से
वलयबद्ध महसूस करेंगे। चित्त को उठाएंगे और ऊपर और ऊपर और ऊपर आकाश तक चित्त ले जाएंगे। पूरा टेंशन आकाश में। आकाश से परम चैतन्य बरसने लगे हैं। पूरे विश्व पे चित्र रखेंगे। विश्व के मानचित्र को अपने चित्र में रखेंगे। अमेरिका, नॉर्थ साउथ, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, पूरा एशिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया बरसने देंगे परम चैतन्य को। बरसने देंगे पृथ्वी तत्व पे चित रखेंगे। परमेट कर जाएंगे सभी नकारात्मकताओं का अंत हो रहा है हमारे चित्त से, जिसके साथ परम चैतन्य चल रहे हैं पृथ्वी तत्व में से। हर नकारात्मकता समाप्त हो रही, जल तत्व सभी महासागर नदियां महानदियां जल समूह जल तत्व में परमिट करेंगे। परम चैतन्य से इसको भर देंगे। वायुमंडल परम चैतन्य से भर जाएगा। परमिट करेंगे अग्नि विशाल महाकुंड के भीतर अग्नि तत्व परमिट करेंगे। सारी नकारात्मकताएं स्वाहा 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 सारी नकारात्मकता व्यक्तिगत वैश्विक हर प्रकार के नकारात्मकता स्वाहा आकाश में चित्त लाएंगे। निराबाधा क्षेत्र और ऊपर चलेंगे अंतरिक्ष में। मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य, चंद्रमा सबके आवाहन से ही हर चक्र पे दस्तक महसूस करेंगे। पूरे अंतरिक्ष का संवेद स्वर ओंकार महसूस करेंगे। Oh.
पूरे अंतरिक्ष में, हमारे चित्त का साम्राज्य, चित्त को उठाएंगे, अंतरिक्ष को भेदन करेंगे, शून्य सरोवर में आएंगे, श्री सदाशिव के क्षेत्र जहां कोई तत्व नहीं, न पंच महाभूत, न ग्रह, न नक्षत्र, न कोई गति, वो शीतल तापमान जिसके नीचे और शीतलता संभव नहीं, एब्सोल्यूट जीरो, हे प्रभु दर्शन दीजिए, मेरे द्वारा हो, शरीर से, मन से, वचन से, कर्म से, जाने अनजाने जो भी अपराध है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, दर्शन दीजिए, बहुत सुंदर श्री सदाश विराट में फैले नमन करेंगे, हे परम पिता, हे परमेश्वर, मुझे अपने अंदर समानो, योग प्रदान कीजिए, योग प्रदान कीजिए, समा जाएंगे प्रभु के भीतर, उनके हृदय में, धीरे धीरे समाते जा रहे हैं, बाहर आने का प्रयास करेंगे, प्रभु के साथ कुछ और समय बिताएंगे, उनके सानिध्य का आनंद लेंगे, उनके चारों ओर परिक्रमा करेंगे, मां आदि शक्ति का अंग प्रत्यंग बन जाएंगे, वलय में समा जाएंगे, परिक्रमा करेंगे,
धीरे धीरे बाहर आने का प्रयास करेंगे। वलय से बाहर आएंगे, श्री सदाशिव के श्री चरणों में नमन करके धन्यवाद करेंगे आज के अनुभव के लिए। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद हे परम पिता। माँ आदिशक्ति का अवतरण पृथ्वी पे भेजने के लिए, हमें चुनने के लिए, आशीर्वादित करने के लिए अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। हम युगो युगांतर तक आपके ऋणी, धीरे धीरे चित्त को बाहर लाएंगे। अंतरिक्ष में आते जाएंगे, आकाश में आएंगे और आकाश से अपने सहस्त्रार निरंतर गिरते हुए परम चैतन्य का अनुभव लेंगे, आनंद लेंगे। पूरे शरीर में बहने देंगे परम चैतन्य। पूरे शरीर में, रीढ़ की हड्डी में, शरीर की एक एक कोशिका में पूरा ध्यान केंद्रित रखेंगे, चित्त को केंद्रित रखेंगे अपने शरीर में। बायां हाथ, दायां हाथ, सर, बैक, फ्रंट, फीट, लेग्स, पूरा शरीर परम चैतन्य से भर रहा है। चारों तरफ चित्त को फैलाएंगे अपने घर में, अपने परिवार वालों पे, अपने समाज पे, देश में, पूरे विश्व में, सभी साधकों के ऊपर चित, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चेस, सबको सहयोग प्राप्त। धीरे धीरे चित्त को समेटेंगे, अपने सहस्रार पे लाएंगे परमेश्वर के श्री चरणों में। श्री माता जी, आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। आपने हमें अपना यंत्र बनाया, हमसे कार्य इस योग के बनाया। माँ आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। हम आपके, हमारा जीवन आपका, हमारा सब कुछ आपका। श्री माता जी,
सब कुछ आपका है। आप जो चाहें वही मैं बोलूं, वही कहूं, वही बनूं, वही सुनूं, वही देखूं। आप हर पल हर क्षण मेरे साथ रहें, वाणी में, आंखों में, कानों में, हाथों में, पंचेंद्रियों में। धन्यवाद शिवादी जी, अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे मध्य को जमाएंगे, माँ जगदम्बा के श्री चरणों में नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे आज की इस यात्रा के लिए, इस परम आनंद के लिए जो आज हमें प्राप्त हो। धन्यवाद श्री माता जी, जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यही विराम देंगे। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, सभी को जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। थैंक यू थैंक यू जी, जय श्री माता जी, सभी जय श्री माता जी, 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 सभी लोगों को जय श्री माता जी, 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 जय श्री माता जी।